स्वागत है सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। नए दिन की शुरुआत है फिलहाल, अभी आज संडे का दिन, बड़ा दिन। चलो चलते हैं, अभी वर्कशॉप में थोड़ा बहुत काम है तो वो निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा पहुंच के वर्कशॉप। भाई साहब भीड़ है, बढ़ी है एकदम गाड़ी का हैंडल कोन बनाने के लिए, क्या पता बनता है क्या नहीं बनता है। अरे ये पूरा टाइट है तुम्हारा, गाड़ी का काम हो चुका है कंप्लीट फिलहाल में, आराम भी चलते हैं क्योंकि आज संडे का दिन है। और देखते हैं, धीरज भाई कुछ बोल रहा था तो उनकी भी समस्या सुलझ जाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को आगे ऐसे ही सफ़र में। देखते फिलहाल धीरज भाई हमको ले जा रहा है मंगल भवन, बढ़िया तो चलते और मंगल भवन का देखते हैं क्योंकि आज कार्यक्रम है, थोड़ा लेट है हम लोग, थोड़ा डिस्कशन गंभीर चल रहा था हम लोगों का। विधायक वगैरह चलो ना, चलो चलते और फिर मिलते हैं आज इस सफर में सीधा मंगल भवन पहुँच गए, सीधा मंगल भवन। और ये बड़े दूर दूर से दर्शक लोग आए, क्यों चच्चा चच्चा बच्चा ही बहुत दूर से आए हैं, इनसे भी मिलो भाई, क्या है। चलो फट से आगे, चालू हो गया यार ऊपर, चलो जल्दी से जल्दी पहुंचना है वहाँ। चलो आ गए, चलो पहुँच गए, आप दिखाते इसी के साथ कक्षा 12वीं में प्रथम स्थान पर वैष्णवी भोले पिता श्री हरिशंकर जी भोले भाई राकेश जी गंगाधर के द्वारा प्रथम स्थान वैष्णवी भोले जी को 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि और डॉक्टर जुगल जी साहू के द्वारा प्रथम स्थान पर वैष्णवी भोले को 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसी के साथ द्वितीय स्थान पर हमारे सामने दो छात्राएं हैं जिन्होंने द्वितीय स्थान बाजू में हासिल किया है, उसमें प्रीति सरले पिता रामकिशोर जी सरले बड़ौरा, उन्होंने 92.4% बनाकर द्वितीय स्थान हासिल किया है। डॉक्टर युगल जी सरले के द्वारा यह भी 1100 रुपये की दी गई। इसी के साथ द्वितीय स्थान में से हमारे बीच में उपस्थित है ऋषिका कुंडे पिता श्री नायको के बुंदे रोगी प्रेरणा, इन्होंने 92.4% हासिल कर द्वितीय स्थान हासिल किया है। सम्मानीय मंच से आग्रह है कि हम इन प्रतिभाओं का सम्मान करें। तृतीय स्थान पर गामिनी रावत पिता श्री शिवपाल जी रावत नागपुर, इन्होंने 90.4% हासिल कर तृतीय स्थान हासिल किया है। डॉक्टर युगल जी सरले के द्वारा इन्हें भी 1100 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। कमला दुर्गा जिन्होंने जोन स्तरीय ज्ञान प्रदर्शन में प्रथम स्थान हासिल किया है नर्मदा भवन संभाग में, कुमारी करिश्मा भंडारे। फिलहाल में आ गए कार्यक्रम शामिल होकर और गाड़ी भी निकाल दी है मामा को, हमारे नागपुर वाले मामा जी, और यहाँ कार्यक्रम सब सफल हो चुका है तो चलो चलते हैं अब सीधा घर की और रवानगी लेते हैं। ऐसे व्यवस्था पी का सारी चीज़ें हैं, लंगर पानी सर है, लेकिन अभी जो बाहर के प्रतिभावान लोग आए हैं उन्होंने कुछ किया है, हम लोग तो ऐसे ही पीछे वाले लोग हैं, उन लोगों को अभी लेने दो क्योंकि दूर दूर से आए हैं। अब चलते सीधा घर और बने रहे हमारे साथ, दिखाते हैं।